मैं मूर्खों की बातों का जवाब नहीं देता, ये कहना है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के सवाल का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। दरअसल सांसद संजय राउत ने सवाल किया था कि जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया गया है, वहां कोई भी मंदिर बना सकता था। संजय राउत ने सवाल किया, जब मस्जिद से दूर ही मंदिर बनाना था तो फिर मस्जिद तोड़ने की क्या जरूरत थी। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले जिस जगह मंदिर बनाने की बात कर रहे थे उस जगह पर मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, वो डिस्प्यूट प्लेस अभी भी वहीं है, मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, इसके बारे में बीजेपी को बताना चाहिए। आपको बता दें, संजय राउत की इसी बात पर उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वो मूर्खों की बात का जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा कि आज देश भर में खुशी का माहौल है, लोगों में राम मंदिर को लेकर उत्साह है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि गलत है। फडणवीस ने ये भी कहा कि राम मंदिर के योगदान में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कोई योगदान नहीं। आपको बता दें, फडणवीस ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके पहले पूरे देश के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाकर गंदगी को साफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई की आराध्या मुंबा देवी मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया है। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए। आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं यार, और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है वो बहुत गलत है। इसी के साथ बताते चले कि एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर को लेकर जश्न की तैयारी चल रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी ने भगवान राम को किडनैप कर लिया है, ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी भगवान राम को अयोध्या से उम्मीदवार घोषित करेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।